नवीनभाई पुलिस ने ठगी करने वाले दो गिरोह के 8 लोगों को दबोचा, फर्जी बैंक लोन और माइनिंग प्रोडक्ट के धंधे का खुलासा। नवीनभाई पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 3 गिरोहों के कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला फर्जी दस्तावेज बनाकर बजाज फाइनेंस कंपनी से 52 लाख के होम लोन की धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस मामले में वाशी पुलिस ने श्रीधर नरोला, सत्येन पड़वल, हितेश उर्फ संजय सावंत, पवन सिन्हा उर्फ अजय शेट्टी को गिरफ्तार किया है। जोन 1 के DCP सुरेश मंगने ने इन आरोपियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी को 6 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कुणाल शाह करके कंप्लेनेंट है, जिसको इन लोगों ने 52 लाख रुपए को ठगा था, जिसमें इसका इन्वेस्टिगेशन वाशी के पुलिस निरीक्षक इनके टीम ने किया, जिसमें उन्होंने पता करा कि इसमें एक टीम, गिरोह की टीम कार्यरत है, जो किसी आदमी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के ये किसी इलाके में एक कमरा किराए से लेते थे और किराए का भी रजिस्टर डॉक्यूमेंट बनाते थे। उसके बाद कहीं जो कुछ फ्लैट सेलर है उसके पास जाते थे, उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल बना के कुछ पैसे उसको देके एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल करते थे और उसके बाद उसको कुछ दिन का अवधि वो लेते थे कि हम बाकी पैसा जुड़ाने तक आप थोड़ा वेट करिए। दरमियान के टाइम पीरियड में वो उसी सेलर का एक बनाउट अकाउंट दूसरी किसी बैंक में ओपन करते थे और जिस फाइनेंस से वो फाइनेंस लेते थे उस फाइनेंस को उसी बनाउट अकाउंट्स का सब एड्रेस देके सारा लोन उसी अकाउंट में डाइवर्ट करके वो पूरा विड्रॉ करते थे। ऐसे इन लोगों ने अभी तक 11-15 जगह पे लोगों को चीट किया है, ऐसा ऑफेंस दाखिल है। इनमें से 4 गिरोह को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक श्रीधर नरोला करके है, सत्येन पडवल है, हितेश वेद है और एक है पवन सिन्हा, जिसको हमने जेल से ताबे में लिया है, जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में जेल में है। ये चारों गिरोह मीरा रोड के इलाके में रहने वाले हैं। इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों को इसी तरीके से चीट किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये लोग ये सारा ठगी करने के लिए, इनके लिए जो उनके पास जो भांडवल चाहिए, पैसा चाहिए, वो पैसा कंज्यूमर लोन लेके, चाहे स्कूटर हो चाहे TV हो, ये लेके फिर वो लेके बेचते थे और उससे पैसा रेज करते थे और इस पैसे से ये बड़ा ठगी करते थे। इन लोगों ने अभी तक 15 ऑफेंस में लोगों को चीट किया, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। वहीं दूसरा मामला प्रोटेक्ट माइनिंग इंटरप्राइजेस कंपनी के जरिए जैपोमाइट नामक कीमती खनिज बेचने के नाम पर फर्जीवाड़े से जुड़ा है। मामले में जितेंद्र राज पुरोहित, विलास शिवाजी दलवी, फजल अहमद सैयद और नाइजीरियन निविग्वे इविनके कोलिन सुर्ख जॉन समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिमंडल 1 के DCP सुरेश मेंगड़े ने बताया कि सभी आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, जबकि इन दोनों मामलों से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये 4 से 5 लोगों की एक टोली है, जिसमें एक लेडीज अभी अरेस्ट करना बाकी है। इन लोगों ने एक दीपक वर्मा करके सीनियर सिटीजन को एक मेल भेजा और उसमें मेल में उन्होंने लिखा कि हमारा जापान का सिक्योरा सिक्की करके कंपनी है, ये कंपनी को कुछ रॉ मटेरियल सिक्किम से हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है, कॉस्टली है, जिसका नाम है जोपोमाइट करके, वो मिनरल है, ये मिनरल अगर आप परचेस करके हमें अगर भेजते हैं तो हम आपको बड़ा कमीशन देंगे। और इसके वजह से ये आदमी ने उनको ज़्यादा पहचान बढ़ाई। इस टोली में कुल मिला के 5-6 लोग हैं, जिसमें से 4 लोगों को क्राइम यूनिट नवी मुंबई NRI पुलिस स्टेशन के लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें एक जितेंद्र राजपुरोहित है, दूसरा है विलास दलवी, तीसरा है फजल सैयद और चौथा है निविग्वे कोलिंस उर्फ जॉन, ही इज़ फ्रॉम फॉरिन नेशनल। ये 4 को गिरफ्तार किया है। फिर इन लोगों ने इनसे सिक्किम के लिए एक अलाहाबाद बैंक में 4,20,000 रुपये का कैश भरने के लिए बोला, ताकि उसके मामले में हम उनको एक सैंपल करके भेजेंगे जोपोमाइट का। उन्होंने एक सैंपल के तौर पर कुछ सीड्स भेजे और उसका चीटिंग किया। इसके लिए 344-220 एक ऑफेंस दाखिल किया NRI में, 419, 420, 465, 467, 471, 468, 34 IPC के तहत गुना दाखिल किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने देश में कई जगह ऐसे मेल्स भेज के लोगों को गुमराह करके उनके पैसे हड़प लिए हैं, जिसमें से हमें पता चला है कि पुणे जिले में भोर राजगढ़ पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एक गुना दाखिल है, लखनऊ में एक कंप्लेंट को उन्होंने चीट किया है, इसके अलावा पांडिचेरी में भी लोगों को चीट किया, जिसमें से अभी तक 20 से 25 लाख रुपए को ठगी इन लोगों ने की, ये इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया है।
हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी कुछ कंप्लेनेंट्स होंगे कि जिन्होंने अपने कंप्लेंट्स दाखिल नहीं किए होंगे, इसके बारे में आगे का तपास एसीपी गाड़े के नेतृत्व में हमारा एनआरआई टीम कर रही है। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेतमारी करने वाले चार अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। आरोपियों में अंकुश डगे, यूसुफ इस्लाम शेख, महरूफ शेख और छगन सिंह राजपूत शामिल हैं, जिनकी जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।